नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको Google मैप की कुछ मजेदार ट्रिक के बारे में बताऊंगा। दोस्तों आज आपको बताऊंगा कि आप Google मैप से अपनी लोकेशन से किसी और लोकेशन, मतलब किसी और की घर की या फिर कोई और चीज है उसकी डिस्टेंस को आप कैसे मेजर कर सकते हैं, या फिर कोई प्लॉट है और आप उसकी एरिया जानना चाहते हैं, आप उसकी क्षेत्रफल जानना चाहते हैं, तो कैसे आप गूगल मैप से कर पाएंगे, इसके लिए इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे हम ओपन करते हैं अपने गूगल मैप को, और दोस्तों गूगल मैप ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो अपनी लोकेशन पे आ जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं अपनी लोकेशन पे हूँ, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए मेरे को इस एरिया को मापना है, तो यहाँ पे हम इसे जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। दोस्तों अगर आपके फ़ोन में सेटेलाइट व्यू ओपन नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करके और यहाँ पे स्टार्ट मैप इन सेटेलाइट व्यू, अगर ये ऑफ है तो आप ऑन कर दीजिएगा। और इसके बाद यहाँ से हम आते हैं बैक, तो अगर आप इस एरिया को मापना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस कॉर्नर पे लॉन्ग प्रेस कीजिएगा। अब दोस्तों लॉन्ग प्रेस कर देने के बाद यहाँ पे आप इसे ऊपर की तरफ खींचिएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है मेजर डिस्टेंस का, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा मेजर डिस्टेंस। और दोस्तों यहाँ पे आपका एक ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे मैं एक पॉइंट दे दे रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे ये पहला पॉइंट हो जाता है। दूसरा पॉइंट ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इस प्लस पे, और यहाँ पे आप नीचे की तरफ आइएगा तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। इसी तरह से दोस्तों अगला पॉइंट ऐड करने के लिए आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आप यहाँ पे एक पॉइंट दे दीजिएगा, फिर आप प्लस पे क्लिक कीजिएगा और एक यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। आप इसी तरह से प्लस पे क्लिक करके आप लास्ट वाला पॉइंट पे यहाँ पे लाइएगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस 1.2 किलोमीटर हो जाता है। दोस्तों अगर आप इसकी क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ से आप इसे कट कर दीजिएगा। और दोस्तों आपका एक ये पॉइंट हो गया 514 मीटर। और इसी तरह से आप यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे आप लाइएगा, ला के छोड़ दीजिएगा। 514 था और 514 में से 880 घटा के आप लंबाई गुने चौड़ाई करके इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपके फोन में हो सकता है कि ये मीटर में ना शो करे, किलोमीटर में शो करे, तो इसके लिए आप यहाँ से आ जाइएगा बैक, यहाँ से आप एक बार और बैक आ जाइएगा। और यहाँ से आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे क्लिक करके आप आइएगा सेटिंग में, यहाँ पे सेटिंग में आइएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डिस्टेंस यूनिट का, यहाँ पे आप यहाँ पे माइल या ऑटोमेटिक आप कोई में भी सेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी और आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपना दोस्तों में, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो में अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।